जी जनाब अली, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज आपको बताते हैं कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि अमंगस्ट ऑल दैट इज रॉन्ग इन द वर्ल्ड, आर्ट इज गोइंग टू कम टू योर रेस्क्यू. और वाकई आपका नजरिया बदलता है. यकीनन आर्टिस्ट बिरादरी हमारी सबसे हसास होती है. बहुत अहम मौजूआत की तरफ आपकी अगर निशानदेही भी करती है तो एक अपना ही खूबसूरत और मुनफरद अंदाज होता है. एंड फॉर सिटी ड्वेलर्स लाइक अस, इट्स यू नो, इट्स समथिंग दैट वी हैव बीन क्रेविंग फॉर. खासतौर पर अगर आप कराची में रहते हैं या किसी और इलाके में भी रहते हैं, इट इज बिकमिंग, फास्ट बिकमिंग वन ऑफ द लीस्ट लिवेबल प्लेसेज इन द वर्ल्ड. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू द कराची बिनाले. और ये तीसरा बिनाले होगा जी, और इसकी दो साल पहले थीम सेटअप हो चुकी है. इसकी अगर आपको जर्नी के बारे में मैं बताऊं तो तकरीबन 1 करोड़ विजिटर्स को इसने गुज़िश्ता 2 सालों में अट्रैक्ट किया टूवर्ड्स इट्स मुख्तलिफ जो इसके डिस्प्लेज होते हैं, आर्टिस्ट का जो आर्ट वर्क रखा जाता है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं. 30 से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं जो अपने आप में एक फीयत है. अगर हम बात करें दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्टों को एक तरह से पाकिस्तान की तरफ उनको रागिब करना, उनको लेकर आना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. साथ साथ जी अभी तक इसमें तकरीबन 400 मुख्तलिफ आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर चुके हैं. 50 से ज्यादा इसमें मुख्तलिफ सेशंस हो चुके हैं जिससे आर्ट और उससे रिलेटेड मौजूदात पे गुफ्तगू होती है. और यकीनन हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर मैं पिछले 2 बिनालेस की तरफ देखती हूं तो तकरीबन 53 से ज्यादा स्कूल्स के इसमें टूर्स हो चुके हैं. तो इस दफा भी वी आर ऑल सेट टू वेलकम द आर्टिस्ट एंड द डिस्प्लेज. मजीद जानते हैं जी कराची बिनाले 2022 के हवाले से. हमारे साथ मौजूद है आतिका मलिक एंड अमीन गुलजी, हु आर बोथ trustees to the initiative. बहुत शुक्रिया आमद का और आपकी मौजूदगी का. आई मीन ऑफकोर्स यू नीड नो इंट्रोडक्शन. मुझे बताएं कि दिस वन, व्हाट डू वी लुक फॉरवर्ड टू द मोस्ट इन दिस बिनाले? देखिए, मैं 2017 में मैं पहला क्यूरेटर था, पहले कराची बिनाले. इनफैक्ट वो पहला बिनाले था पाकिस्तान में. इट वॉज द फर्स्ट बिनाले ऑफ पाकिस्तान. और हमारे पास 180 आर्टिस्ट थे, 60 इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे और 12 लोकेशंस थी. इस दफा फैसल अनवर साहब जो कनाडा में रहते हैं वो क्यूरेट कर रहे बिनाले. और उसका थीमेटिक है इट्स ऑन टेक, टेक्नोलॉजी एंड आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, उनका मिलाप. तो मैं उसके लिए एक इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ. उसका नाम है मेमोरी रूम, याददाश्त का कमरा. मैं एक क्लासरूम ले रहा हूँ NGV स्कूल के अंदर. और फिर मैं एक परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ जिसका नाम है फॉरगॉटन मार्च. और वो मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ जो NGV के स्कूल किड्स है ना. और मैं और बच्चे एक साथ नहीं मिलते. आई मीन आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ किड्स, बट उनकी जो एनर्जी है इट्स ट्रेमेंडस. और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके टीचर्स के साथ काम कर रहा हूँ. और देयर अराउंड 20 पार्टिसिपेंट्स. तो आप जरूर आके देखेंगे डेफिनेटली. अच्छा आतिका जी, मुझे बताएं कि पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बात करती है, इतनी मेहनत, इतनी तगोदौ के बाद ये इंस्टॉलेशंस लगती हैं, व्हाट इज देयर नेक्स्ट लाइफ लाइक? क्या इसमें सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा जाता है? डू यू अपसाइकल देम? आर दे ट्रांसपोर्टेड एल्सवेयर? लोग ये भी जानना चाहते हैं. तो अ लॉट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन द टेक्नोलॉजी एग्जिबिट्स वो आर्टिस्ट खुद लेकर आ रहे हैं और एग्जिबिशन के बाद वो वापस ले जाएंगे. सही. तो वो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप डिस्कार्ड करके फेंक देंगे या कुछ. और टेक्नोलॉजी के साथ यही खासियत है कि वो कोई चीज सब्सटेंशियल नहीं होती. वो तो हम वी विल यूज वीडियो, मीडिया, लाइट, साउंड. और यही बहुत जबरदस्त होगा इस बिनाले के बारे में कि हम देखेंगे कि आर्ट और टेक्नोलॉजी का कैसे कॉम्बिनेशन सामने आता है. और ये आप ना भूलें कि आर्टिस्ट इनक्रेडिबली सस्टेनेबल होते हैं. जो भी आर्टिस्ट था ना, अगर टेक्नोलॉजी के, फॉरगेट टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप मटेरियल ले लें, लोहा ले लें, तांबा ले लें, उसको हर वक्त आप रिसाइकल कर सकते हैं, एक काम से दूसरे काम में ले सकते हैं. सो कुछ देखिए, आर्टिस्ट के पास पैसे इतने नहीं होते तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी भी होती है इकोनॉमिकली. एब्सोल्युटली. लेकिन मुझे बताएं, आई मीन द वे वी हैव सीन, यू नो, वी आर ऑल कराचीआइट्स, द वे आवर सिटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एंड फॉर द वर्स. हमें याद है कि ग्रोइंग अप हमारे पास बड़े खूबसूरत राउंड अबाउट थे. आई रिमेम्बर इवन द एरिया जहां पे क्लिफ्टन की अगर हम 3 तलवार 2 तलवार की बात करें उसकी एक सिम्बॉलिक वैल्यू है. फिर इसके अलावा वहां जो इंस्टॉलेशन, योर लेट फादर्स इंस्टॉलेशन यूज टू बी देयर फॉर पीपल टू इंजॉय. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वी हैव टू वेट फॉर द बिनाले टू सी दीज ब्यूटिफुल क्रिएशन. और हमारे इर्द गिर्द की खूबसूरती कहीं खोती जा रही है. यही तो अफसोस है ना कि पब्लिक वर्क्स होने चाहिए और इंशाल्लाह बिनाले अवेयरनेस बढ़ाएगी.
और बिनाले का यही खास वो मकसद है, मकसद है कि फ्री है जी, फ्री है और इसमें काफी सारे बड़े बड़े पब्लिक किस्म के इंस्टॉलेशंस हैं ताकि पब्लिक इंजॉय कर सके, उनके थ्रू इंटरेक्ट कर सके और वो एक चीज उनके जहन में रह जाए कि यू नो। और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई थिंक ये एक चीज है जो हम सब ट्रस्टीज ने भी बात की है कि ये बिनाले विल स्पॉन्सर पब्लिक आर्टवर्क्स फॉर द सिटी ऑफ कराची, ये होना चाहिए। आतिका जी, जैसे अभी टोरंटो में हमने देखा वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्प्लेस फॉर द नाइट, यानी आपको 12 घंटे लग जाएं सिर्फ रात के वक्त खूबसूरत इंस्टॉलेशंस को देखने के लिए। कराची जो कि रोशनियों का शहर है, और इस बिनाले के बारे में बिलखसूस बताइए कि अगेन यहाँ पे बड़ी तेज रफ्तार जिंदगी है, क्या ये डिस्प्लेस हम सिर्फ दिन की रोशनी में एंजॉय कर सकते हैं और आर दे गोइंग टू बी लिट अप फॉर द इवनिंग्स एज़ वेल? एक्चुअली यू सी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज हुई जाती है तो इसलिए इस इवेंट में मोस्ट ऑफ द आर्टवर्क्स आर इंडोर्स, ठीक है। लेकिन जो लोकेशंस चूज की गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे हामिद मार्केट ओल्ड कराची में सदर में एक बिल्डिंग है उसके अंदर, और जैसे जमशेद मेमोरियल हॉल, तो लोकेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन इंडोर्स होंगे, तो वो रात की रोशनी तो खैर नहीं लेकिन आप दिन की रोशनी में ही वो एंजॉय कर सकते हैं। रोशनी भी छोड़ देना, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल रियलिटी। फैसल ने बहुत खूबसूरत में विद वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट जो वीआर के साथ काम करते हैं, तो अगर आप वीआर सेट लगा दें तो ना तो आप यहाँ होंगे ना तो आप वहाँ होने वाले, यू आर गोना बी आउट देयर, सो इट्स गोना बी सुपर एक्साइटिंग इंशाल्लाह। अमीन, मुझे बताएं कि इन द पास्ट एंड स्पेशली द बिनाले दैट यू क्यूरेटेड, एट टाइम्स हमें लगता है कि आर्टिस्ट, खासतौर पर जो ग्लोबल फ्रेटर्निटी है, इवन आर लोकल आर्टिस्ट, उनके और मेन स्ट्रीम ख्यालात में कभी कभार टकराव आता है, लोगों की हसासियत, आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट है तो यू नो यू समटाइम्स गेट बैड प्रेस, आर यू prepared for that? Absolutely, हाँ. जी देखिए यही तो मजा है आर्ट का, एक डायलॉग बने। हम ये तो नहीं कहते ना आर्टिस्ट गुलाम तो नहीं है, आर्टिस्ट आजाद है और ये आजादी बहुत जरूरी होती है जी। पर जब भी आप क्यूरेट, जैसे मैंने क्यूरेट किए, तो वो एक बैलेंस होता है सही। उनकी आजादी में और जो माशरा सेंसिटिविटीज है कि सेंसिटिविटीज को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, बट एक चीज को एक्सपैंड करना चाहिए, चीजें बढ़ती जानी चाहिए। So there's a balance between the two things. And अगर आर्ट डायलॉग बनाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बिनाले, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पिछले दो बिनालेज में हमने 50 से ज्यादा डायलॉग सेशंस देखे हैं। आतिका जी, व्हाट आर सम ऑफ द थीम्स दैट वर डिस्कस्ड, और इस दफा आई एम श्योर कि देयर आर मोर डिस्कशंस एंड डिस्कोर्सेस व्हिच आर गोइंग टू हैपन। हाँ, द थीम्स हैव बीन बहुत वेरीड, बिकॉज साउथ साउथ डायलॉग अगर हम डिस्कर्सिव की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप ने स्टडी किया साउथ, यानी कि साउथ अमेरिका के कुछ आर्टिस्ट को, उनके टेक्स्ट्स को, और फिर बैठ के यहाँ पर उसके ऊपर डिस्कशन की, डिबेट की, हाउ इट कनेक्ट्स विद आर सोसाइटी। द नेक्स्ट बिनाले पे उन्होंने अफ्रीका को लिया एज अ प्लेस जहाँ का लिटरेचर आर्टिस्ट, उनको स्टडी किया। तो यू सी, ये सब चीजें जब हम फिर प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने तो हमें पता लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसमें हमारे साथ क्या कनेक्शंस हैं, क्या नहीं है। और ये साउथ की जो कंट्रीज हैं, नॉर्मली हम उनको भूल जाते हैं, हम वेस्ट देखते रहते हैं, तो ये एक मेन टॉपिक। और एक और चीज मुझे खाली मेंशन करना है कि नीलम फारूक, ये सारे जो भी डिस्कशन सेशंस हुए हैं, हमारा जो सीईओ है नीलम फारूक, द बिग लेडी, शी इज द वन जिन्होंने ये सारे डिस्कशन सेशंस को वो ऑर्गेनाइज कर दिया। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। और जो आतिका कह रही थी ऑफ द साउथ साउथ डायलॉग, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, वी नो एवरीथिंग इन लंदन क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, बट मलेशिया में क्या हो रहा है, हू नोज। एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आवर कनेक्शंस, बिकॉज कई चीजें ऐसी जो देखिए मेन स्ट्रीम में होती हैं, अगर उनको ऑलरेडी बहुत मीडिया अटेंशन मिल रही है, इट्स नो मिरेकल दैट वी नो अबाउट देम, इट्स द यूनिकनेस, द अदर कनेक्शंस दैट वी नीड टू फॉर्म। आई मीन, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिनाले बिकॉज आपने कहा आर्ट एंड टेक्नोलॉजी कमिंग टूगेदर, जबकि पूरी दुनिया में ये बात हो रही है टेक्नोलॉजी हैज बीन क्वाइट डिसरप्टिव फॉर आर्ट।
लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके जो इंडिजिनस आर्ट्स थे आर्टिजन्स के लिए, उनका तो जो काम वो बेचारे सालों या महीनों मेहनत करके बनाते थे, टेक्नोलॉजी इज एक्सपेडाइटेड दैट, प्रिंटेड इट, मेड इट वेरी वेरी शैलो एंड वेरी ऑन द सर्फेस. तो ये जो चैलेंज है आर्टिस्ट, इसको कैसे लेके चल रहे हैं? हर चीज टेक्नोलॉजी होती है ना, पया टेक्नोलॉजी है, बिजली टेक्नोलॉजी, आग इज टेक्नोलॉजी, फायर इज टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी. कैसे आर्टिस्ट इस्तेमाल करता है, दैट इज द की. आप कोई भी चीज यू नो प्रोफाउंड कर खूबसूरत और जरूरी बना. बहुत बहुत शुक्रिया अमीन और आतिका हमारे साथ मौजूद थे. वक्त इतना ही था, लेकिन आपको बताते चले, यूजली पीपल टॉक अबाउट द फोर एलिमेंट्स, दे टॉक अबाउट वर अर्थ, वाटर, एयर एंड यू नो फायर, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज द फिफ्थ एलिमेंट विच इज स्पेस, एंड वी विल सी द फाइव एलिमेंट्स कमिंग टूगेदर इन दिस बिनाले. प्लीज डू मेक श्योर दैट यू गो एंड टेक अ लुक एट द डिस्प्ले. थैंक यू अमीन, थैंक यू आतिका जी. इसी के साथ जी हम लेते हैं एक ब्रेक. डोंट फॉरगेट द कराची बिनाले हैपनिंग एंड इट्स गोइंग टू बी अराउंड एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी a lot of fun. Break lete hain ji, wapas aate hain.